फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपमाला। मैं आज पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो कच्चे डालें, आप चाहे तो तल के डालें। और ये मैंने ये पालक को पहले पत्ते उसके निकाले, मैंने धुले, उसके बाद उसको मैंने बॉयल किया हुआ है। बॉयल करने के बाद ये भी ठंडा हो जाए तो उसको आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। मिक्सी में पीस लीजिए या आप सिलबट्टे पे पीस लीजिए, जैसा भी। और जब ये उबाले थे तो इसका ये पानी बचा हुआ था, मुझे पानी नहीं फेंकना है, मैं यही पानी का यूज़ करूँगी। अब आप चाहे पहले पालक को फ्राई करें या मसाला। मैं सबसे पहले पालक डाल रही हूँ, उसको मुझे हल्का सा भून लेना है। जब आप इसको भूने तो इसमें जब भूनती हैं तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा चिट्टियाँ पड़ती हैं। इसको आप जब भूनेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चिट्टियाँ पड़ेंगी, तो इसलिए आप इसको हमेशा ढक के भूनें। आप कुकर में बना रही हैं तब भी आप इसको ढक दीजिएगा, वरना तो चिट्टियाँ बहुत पड़ती हैं और गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता खाना बनाते वक्त। इससे आपका लैब पूरा साफ रहेगा और अच्छा भी लगेगा। आप इसको जैसे जैसे देख देख के धीरे धीरे इसको भून लीजिएगा। इसमें बच्चे भी अगर बनाएंगे तो उनको भी बहुत ही आसान रहेगा बनाने के लिए। तब तक ये पक रहा है, मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मेरा पालक हो गया है, इसको हल्का सा और भूनना है। ये देखिए मेरा पालक भून गया है, मुझे इसको निकाल लेना है। अलग बर्तन में इसको निकाल लीजिए। अब इसी में आप मसाले को भून लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल डाला, जो पनीर तला था वही बच गया था, उसी को यूज़ आप कर सकते हैं। ये लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, तो चार चम्मच डाल दीजिए। जैसी पनीर हो, जैसा पालक हो, उसी हिसाब से आप डालिएगा। मेरे पास आधी कटोरी थी तो मैंने आधी कटोरी पालक और आधी कटोरी लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार, नमक अपने स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला। अब आप इसको भूनना है और ये थोड़ी सी हल्दी। जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा मसाला हो गया है। अब मैं इसमें भुनी हुई जो पालक मसाला मैंने भुना था पालक को, अब मैं इसको इसमें डाल के भून रही हूँ। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए बस पूरा मिक्स कर लीजिए अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगा हल्का 5 मिनट तक इसको और भून लीजिएगा। ये देखिए मेरा पालक और मसाला जो मैंने डाला था ये मेरा पक चुका है, तेल भी छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें जो मैंने फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े रखे हुए थे तो मैं इसको डाल दे रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिसमें मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। जो ये पालक का रसा था, बॉयल पालक को मैंने छान लिया था और ये उसका रसा है। और मैं उसको इसमें, ये मैंने जो पालक बॉयल किया हुआ था ये उसका पानी है और उसको मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगेगी तो आप अलग से पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और वो फटाफट बन जाती है।
बहुत ही इजी तरीका है, आप चाहे जब बनाएं इसको, बस इसको थोड़ा सा हमको ढक देना जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक ये पक रहा, मैं आपसे मिल रही हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, अब मैं इसे प्लेटिंग करने जा रही हूँ। ये देखिए मेरी पनीर की सब्जी रेडी हो गई है, पालक पनीर की। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है, एक बार आप बनाइएगा और खाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू।